मामला है यहाँ पे? मामला यही है कि पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा है। यहाँ से होता है पानी रख जाता है, खेतों में बहकर निकल जाता है। मगर इसकी पानी की समस्या तो बहुत काफी दिख रहा है। अभी देखा जाए कि अगर बारिश की पानी आ जाए तो पूरे जो घरों में तकले पानी आ जाता है, और इसकी निकासी के लिए क्या व्यवस्था बना है नगर पंचायत द्वारा? हाँ, नगर द्वारा बात यही है कि इसका निकास होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो रास्ता जो आप देख सकते, जिस रास्ते पे खड़े हुए हैं, ये रास्ता कहाँ तक ले जाता है? ये रास्ता जो है, जैसे कि तो हम जा रहे थे दिवाली करने, हर जगह खर्चा का दावा करने जा रहे थे, तो वही मना कर दिए कि नहीं रुक जाइए, बस इस साल गर्मी में हो जाएगा जी। आप देख सकते हैं नाली के पानी, यानी नाला का पानी, या नाली के पानी या नाला का पानी, दोनों दोनों का पानी आप देख सकते हैं। यह पानी जो है बगल के घरों के पास जो है, कितना जो है पानी जो है जाम लगा हुआ है, और यहाँ पे बीमारी का, यानी बीमारी का दावत दे बस्ती में काफ़ी जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पे पानी लगा हुआ है। और यहाँ पे चाचा जी किसका मकान है यहाँ पे? मेरा मकान है, मकान है सोनखर का। अच्छा बताइए पानी कहाँ से आता है? इधर आइए, पानी कहाँ से आता है? पानी जो हमारे घर का पानी है ना, नाला भरता है तो पानी उल्टा आता है, पानी उल्टा आता है। हाँ, घर का पानी भी गिरता है, बहुत दिक्कत हमको है। अगर मान लीजिए अगर पानी अगर मरता रहेगा, अगर ये जो है घर गिर जाएगा तो उसमें हम लोग दब के मर जाएंगे। किसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मोदी होंगे, और कोई होगा? मोदी क्यों होंगे? के मकान किस लिए दिए? नगर पंचायत तो चेयरमैन मोदी तो कुछ नहीं सुनते हैं। मोदी जी तो घर घर आवाज दिए, घर घर शौचालय, तो यहाँ के चेयरमैन नहीं सुनते हैं? चेयरमैन क्यों नहीं सुनते हैं? अब उसको क्या बताया जा, उनको वोट देते हैं लोग। चेयरमैन साहब के नॉलेज में है कि यहाँ पे पानी लग रही है? हाँ, वो आए हैं, देख कर गए, उनसे कहा गया तो कहते कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर जाइए आगे, कहाँ जाए आप, डीएम किए जाए। अच्छा, वो जब वोट आता है तब चेयरमैन साहब आते हैं तो कहते हैं हमको हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हमको वोट दीजिएगा, और भी कुछ देते हैं, लालच भी देते हैं, लालीपॉप उनका। हम लोग पान भी नहीं खाते हैं, हम लोग पान नहीं खाते हैं। नहीं नहीं, बड़े बड़े दावा तो किया जाता है ना? नहीं कुछ नहीं, हम लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। अब मोदी आवास दिए, उसके घर दिए हैं, छा दिए हैं, उसमें हम लोग रहते हैं। हाँ, यही हम लोग बनने नहीं दे रहे हैं। लोग आवास हम लोग को मिला है, घर मिला है, शौचालय का पानी हम लोग के घर ही में रहता है, निकास नहीं है कि पानी गंदगी बहे, और रोग बीमारी का ये घर है, सब नाला हुआ भरा हुआ है, बरसात होता है तो सबके घर में पानी ढुक जाता है, कोई सुविधा नहीं है। चेयरमैन साहब के लग गए हम लोग, वो भी नहीं सुनते हैं, थाने में गए वो भी नहीं सुनते हैं, तौड़ेरिया में गए वो भी नहीं सुनते हैं, हम लोग चलते चलते सीहर गए। अब भाई क्या करा जाए, अब तो यही लिखा है कि हम लोग अपना अपना घर द्वार छोड़ कर चले जाएँ, नहीं तो अपनी जान दे दें। गंदगी में कौन नहीं है, ना झाड़ू लगता है, ना नाला साफ होता है, ना नाला बनने देते हैं लोग, ना पानी उसका करास होता है, शौचालय का पानी शौचालय ही में रहता है। फिर कौन नहीं बनने देता है? चेयरमैन नहीं बनने देता है, उनके लग गए कि चलिए वहाँ हल कर दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। मनोज आए, मनोज मेंबर साहब को लिया गए, वो भी नहीं आए। अखिलेश तिवारी को बुलाया गया, वो भी नहीं आए, वो भी कहे कि चलिए बन जाएगा, लेकिन यहाँ से खुदा भला मनाता है। प्रेम की बात तो लोग समझ नहीं पाएंगे, कितने वो नान जात ना नहीं बात नहीं बतियाएगा, बड़े जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी इज्जत आबरू नहीं मिटा आएंगे। यहाँ के सभासद कौन है? यहाँ के सब सभापते हैं। सभासद इस समय कौन वर्तमान में है यहाँ पे? यहाँ का हिलाल है, हिलाल के लड़का है मेंबर साहब। सरोज, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है वे कि अमन का पानी आदमी बहे ना देता हूँ, अमन के वही समस्या है, और कौन चीज है? आ दो आदमी रोकले हूँ बस। हाँ, मान लीजिए कि नया बाद में ये नाला जो है वो नाला में जाना चाहिए जिंदगी भर के लिए, तो ये नाला उल्टी आप किसी के जमीन और परम्पटी किसी के घर रह ले जाएंगे तो जाने देंगे? कभी नहीं जाने देंगे, जाएगा तो कभी सभी प्रधान ने किया है कि नाला में मिलना चाहिए, नाला में मिलना चाहिए ना। समस्या, मगर इसका समस्या का जो समाधान करने के लिए क्या नगर पंचायत में आप लोगों ने एप्लीकेशन डाला? एप्लीकेशन नाला में निकल जाए तो अच्छा है, जिंदगी जिंदगी भर के नाला में निकल जाए तो अच्छा है। अब इसके बाद इसका फैसला कौन करेगा? जनता।